इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम्स के बारे में। आपको बताइए कि सेना ने अपनी प्रतिबद्धता जो है वो स्वदेशी उपकरणों के प्रति ज्यादा दिखाई है, और सेना ने कहा है कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय सेना में जो अधिकतर हथियार होंगे वो स्वदेश निर्मित ही होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम उन चार गन सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका निर्माण भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, और दावा ये किया जाता है कि आने वाले भविष्य में सेना इनका बड़े संख्या में ऑर्डर प्लेस करेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी है चार आर्टिलरी गन सिस्टम जो इस समय अंडर ट्रायल हैं और आने वाले समय में काफ़ी बड़ी अपडेट इनको लेकर के मिल सकती है। दोस्तों, जब बात आती है इंडिजिनस आर्टिलरी गन सिस्टम की, तो कल्याणी ग्रुप की चार आर्टिलरी गन सिस्टम है जो इस समय सेना के ट्रायल से गुजर रही हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कल्याणी ग्रुप इस रेस में लीड कर रही है। सेना के सोर्सेस के द्वारा जो बताया गया है उस हिसाब से कल्याणी ग्रुप के चार आर्टिलरी गन सिस्टम हैं जो कि इंटरनल ट्रायल से आगे निकल चुके हैं, और इनको यूजर ट्रायल स्टेज में रखा गया है जहां पर सेना अलग अलग जगहों पर इनके ट्रायल करेगी, और उन ट्रायल्स के आधार पर जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से इनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। सेना ने बताया कि इस समय कल्याणी ग्रुप के जो चार आर्टिलरी गन सिस्टम हैं वो क्रमशः गरुणा 105 जो कि एक लाइक टैक्टिकल व्हीकल पर माउंटेड है, दूसरा है भारत 52, तीसरी है 155 mm और 39 कैलिबर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर, और चौथी भी है एक ट्रक माउंटेड 155 mm और 39 कैलिबर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर। ये चार गन सिस्टम हैं जिनका इस समय टेस्ट इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये है कि जो भारत 52 है जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की तोप है, ये अपने फाइनल राउंड पे पहुँच चुकी है ट्रायल्स के, और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उस हिसाब से सेना इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जैसे ही इनके फाइनल ट्रायल आयोजित कर लिए जाएंगे तो सेना तकरीबन 400 की संख्या में इनका ऑर्डर प्लेस करेगी। शुरुआत में ये माना जा रहा था सोर्सेज के द्वारा कि जो एल्बिट सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई एथोस 2052 टोट गन सिस्टम है ये सेना में शामिल की जाएंगी, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि सेना इनको भारत 52 से ही रिप्लेस करेगी, और अब शायद कोई भी विदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम आपको देखने को ना मिले। तो आइए एक एक करके इन सारे आर्टिलरी गन सिस्टम्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गरुणा 105 हॉविट्जर की। दोस्तों, गरुणा 105 हॉविट्जर भारत द्वारा निर्मित एक अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है, और सबसे खास बात तो ये है कि ये एक लाइट टैक्टिकल व्हीकल पर भी माउंट की जा सकती है, जिसकी वजह से इसका जो मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई है, और इसको लेकर के बताया ये जाता है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्ट रिकॉयल टेक्नोलॉजी और डिजिटल फायर कंट्रोल, और सेना इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। दूसरा है हमारा भारत 52 जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की हॉविट्जर है। ये एक लॉन्ग रेंज हॉविट्जर है जिसको पूरी तरीके से भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। भारत 52 तकरीबन 41 किलोमीटर की दूरी तक जो टारगेट है उनको तबाह करने में सक्षम है, और यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक लाइन मोड भी दिया गया है। भारत 52 एक नेक्स्ट जनरेशन की टोट गन सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा मनरेबल है, और ये जो फीट आर्टरी हैं भारत में इस समय मौजूद सबकी टक्कर में सबसे एडवांस मानी जा रही है। इसकी एक्यूरेसी हो, स्टेबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो, सब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और सेना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये पूरी तरीके से पूरा भी करती है, इसीलिए सेना इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश है। तीसरी है हमारे माउंटेन आर्टलरी गन। दोस्तों, 155 mm और 39 कैलिबर की एक अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है जिसका निर्माण स्टील और टाइटेनियम से किया गया है, और ये एक अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है जिसको माउंटेन आर्टिलरी गन सिस्टम के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक इंडियन मेड 155 mm और 39 कैलिबर की गन है जो कि आने वाले समय में BAE सिस्टम की M777 जो हॉविट्जर है जो कि 155 mm और 39 कैलिबर की तोप है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है उसको रिप्लेस करेंगी, और इसी आर्टलरी पर आधारित एक ट्रक माउंटेड माउंटेन आर्टलरी गन भी है जिसको हम TMMRAG कहते हैं। ये एक 7.8 टन वजनी 155 mm और 39 कैलिबर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है जिसको एक 4x4 मीडियम ड्यूटी ट्रक में माउंट किया गया है। खास बात यहाँ पर यह है कि हर प्रकार के टेरेन में इसको ले जाया जा सकता है, फिर चाहे वो हाई एल्टीट्यूड एरिया हो या फिर डेजर्ट की जो कह सकते हैं जो जगह हैं वहाँ पर भी इनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है,
और इसको लेकर के बताया ये जा रहा है कि ये भी ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और सेना पूरी तरीके से इन पे अपनी जो नज़र है वो बनाए हुए है। इसके अलावा दो और आर्टिलरी गन सिस्टम है जो कि अंडर ट्रायल है। पहली धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है और दूसरी DRDO और टाटा की एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ATAGS के जितने भी महत्वपूर्ण ट्रायल थे वो पूरे कर लिए गए हैं और सेना बड़ी संख्या में इनका जो ऑर्डर है वो प्लेस करने वाली है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सेना का जो आने वाला भविष्य है वो पूर्णतया स्वदेशी हथियारों पर बेस्ड है और सेना अधिक से अधिक संख्या में जो स्वदेशी हथियार है उनका इस्तेमाल करना चाहती है और उसी क्षेत्र में सेना लगातार आगे बढ़ भी रही है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।